या OC लिख सकते हैं, OC आपका क्लियर। तो यस इज इक्वल टू, ये आपका हाइट है, दोनों के बीच का ये हाइट है और ये दोनों पैरेलल साइड हैं, तो OA प्लस BC ये आपका पैरेलल साइड है, सम कर दिए बाय टू इंटू हाइट OA, OA इज इक्वल टू व्हाट, यू प्लस BC इज इक्वल टू B बाय टू इंटू OC, OC इज इक्वल टू T, ओके। देयरफॉर A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, ऑलरेडी नो, वी नो दैट A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, टी इज इक्वल टू V माइनस यू बाई ए, यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, यस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 2A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2AS, ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू, नेक्स्ट ये बचा आपका यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू, तो ये फार्मूला हुआ यू प्लस ए प्लस वी माइनस ए माइनस वी का फार्मूला होता है, क्या होता है 2AS इज इक्वल टू, पहले इसे सही क्रम में लिख रहे हैं, वी प्लस यू भी लिख सकते हैं इसको, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके, इसे ट्रांसफर इधर कर देंगे तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, क्लियर। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन था पोजीशन टाइम ग्राफ का जो कंप्लीट हुआ, गॉट इट।